गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई करना अब स्टार्ट कर देंगे. क्यों? क्योंकि अब हमारी टर्म वन की एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है. उसके लिए अभी से हमको तैयारी शुरू करना चाहिए. क्यों? क्योंकि हर एक पार्ट में बहुत सारे अभ्यास दिए हैं, एक्सरसाइज दी हुई है, तो आप लोगों को सारी चीज़ें याद होना चाहिए. सबसे पहले हम पार्ट 6 के शब्दार्थ के बारे में पढ़ेंगे. कल के वीडियो में हमने पार्ट के बारे में पढ़ा था, पार्ट के बारे में समझा था कि एक शरीर में कितने दो के बारे में हमने जाना था. आज हम उसी पार्ट के पाठ मूल्यांकन के कुछ अभ्यासों के बारे में जानेंगे और समझेंगे. सबसे पहला है हमारा शब्दार्थ, मतलब शब्दों का ज्ञान होना, शब्द का अर्थ पता होना. इस पाठ में जितने भी शब्द आए हैं उन शब्दों का हमें अर्थ पता होना चाहिए. ऐसे शब्द, कुछ शब्दों का अर्थ तो आपको पता ही होगा, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम पहली बार सुनते हैं, तो हमको उनके अर्थ को याद करना चाहिए. सबसे पहला होता है हमारा शब्दार्थ का शब्द अंबरो. अंबरो का मतलब क्या होता है? बोहे. क्या होता है? बोहे, बोहे आँखों के ऊपर का भाग. कोहनिया, कोहनी का मतलब क्या होता है? बाहों का मध्य भाग. कोहनी का मतलब क्या होता है बेटा? बाहों का मध्य भाग. नथुने, नथुने का मतलब क्या होता है? नाक के छेदों के आगे की ओर का हिस्सा. कहाँ का हिस्सा? नाक के छेदों के ओर के आगे का हिस्सा. टखना, टखना का मतलब क्या होता है? पिंडली एवं एड़ी के बीच की दोनों ओर उभरी हुई हड्डी. पिंडली एवं एड़ी के बीच की दोनों ओर उभरी हुई हड्डी. पहलू, पहलू का मतलब क्या होता है? दायां बायां भाग. पहलू का मतलब क्या होता है? दायां या बायां भाग या दिशा. जा, हम बोल जा आया ना हमारे पाठ में, तो जा का मतलब क्या होता है? जान, प्राण. हम बोलते हैं ना, मेरी जान निकल रही है, मेरा दम घुट रहा है ना, तो इस पाठ में आया है जा शब्द. जा शब्द का अर्थ होता है जान और प्राण. जमीन, जमीन का मतलब क्या होता है? जमीन, धरती. क्या होता है? जमीन, धरती. अब जा, जा शब्द के पीछे ऊपर क्या लगा है? हमारा अनुनासिक है ना, चंद्रबिंदु लगी हुई है. और जमी, जमी में जामे क्या लगाए? नीचे नुक्ता लगाए, है ना. तो ये क्या है? ये छोटी छोटी चीज़ें हमको याद करना चाहिए. क्या करना चाहिए? इनको हमें याद होना चाहिए. तो ये हमारे क्या थे? शब्द ज्ञान थे. कौन कौन से हैं? अंबरों का मतलब होता है भोहे, कोहनियों का मतलब होता है बाहों के मध्य का भाग, नथुने के मतलब होता है नाक के छेदों के आगे की ओर का हिस्सा, टखना मतलब क्या होता है? पिंडली एवं एड़ी के बीच की दोनों ओर उभरी हुई हड्डी, पहलू का मतलब होता है दायां या बायां भाग, दिशा, जहाँ का मतलब क्या होता है? प्राण, जान, जमी का मतलब क्या होता है? जमीन और धरती. हमारे शब्द ज्ञान कुछ इस प्रकार थे. अब इसके बाद हमारी बारी आई पाठ मूल्यांकन की. किसकी बारी आई? हमारे पाठ के मूल्यांकन की बारी आई है. तो पाठ मूल्यांकन अभ्यास में शब्द ज्ञान के बाद आता है पाठ्य चर्चा. पाठ्य चर्चा में बताओ, कुछ प्रश्न दिए हैं जिनके उत्तर हमें याद करने हैं. सबसे पहला प्रश्न है हमारा, हमारे शरीर में कौन से अंग दो दो हैं? हमारे शरीर में कौन कौन से अंग दो दो हैं? उत्तर क्या होगा? हमने कल की वीडियो में पढ़ा था ना पोएम में, हमारे शरीर में आँखें, भौहें, कान, नथुने, ओंठ, कंधे, हाथ, बाहें, कोहनियाँ, अंगूठे, कलाइयाँ, टांगे, घुटने, टखने, तलवे, एड़ियाँ, हथेलियाँ, गाल और बगले दो दो हैं. क्या है दो दो? हमारे शरीर में आँखें, भुएँ, कान, नथुने, ओंठ, कंधे, हाथ, बाहें, हथेलियाँ, अंगूठे, कलाइयाँ, टांगे, घुटने, टखने, तलवे, एड़ियाँ, हथेलियाँ, गाल और बगले दो दो हैं. दूसरा दिया है इसमें प्रश्न, कविता में भाषाएं और आवाजें कितनी बताई गई है? कविता में भाषाएं और आवाजें कितनी बताई गई है? तो कविता में
भाषाएं और आवाजें बताई गई है। कविता में सैकड़ों तो भाषाएं और लाखों आवाजें बताई गई हैं। क्या क्या बताई गई हैं? कविता में सैकड़ों भाषाएं और लाखों आवाजें बताई गई है। उठने बैठने का काम कार्य शरीर के कौन से अंग करते हैं? प्रश्न नंबर 3, उठने और बैठने का कार्य शरीर के कौन से अंग करते हैं? उत्तर क्या होगा हमारा? पैर, घुटने और टखने शरीर के उठने बैठने का काम करते हैं। कौन करता है हमारे शरीर के घुटने बैठने का काम? एक तो हमारे पैर, घुटने और टखने शरीर के उठने और बैठने का काम करने में हमारी मदद करते हैं। अब अगली चीज़ क्या है? अभी हमारी क्लास तो लग नहीं रही है ना? कविता को याद करके कक्षा में सुनाओ। तो आपको क्या करना है बच्चों? कविता याद करने और लयात्मक ढंग से गायन करने के लिए आपको आपकी मम्मी को ये सब सुनाना है। क्या करना है आपको? आपकी मम्मी को सुनाना है। आ गई बात समझ में? अब उसके बाद बारी आई हमारी लिखो, राइटिंग स्किल। कविता की इन पंक्तियों का सही मिलान करें। कविता में कुछ पंक्तियाँ आई हुई हैं और उसके अनुसार हमको इनका सही मिलान करना है। तो कुछ इस प्रकार है, एक शरीर में कितने दो, तो हम क्या बोलेंगे? गिनकर देखो जितने वो। क्या बोलेंगे हम? गिनकर देखो जितने वो, तो उस लाइन से हम इसको मिला देंगे। दूसरी पंक्ति क्या है हमारे? सूंघते और खुशबू को जिससे, किससे खुशबू सूंघते हैं हम? नाक से। तो नाक एक नथुने दो, उससे हम इस लाइन को मिला देंगे। तीसरा है, लाखों आवाजें सुनते हैं, लाखों आवाजें सुनते हैं, सुनने वाले कान तो दो हैं। सुनने वाले कान भी क्या हैं? दो हैं, जिससे हम लाखों आवाज सुनते हैं। तो वो हमारी पंक्ति हो गई, कान भी दो हैं, ओठ भी दो हैं, कान भी दो हैं, ओठ भी दो हैं। चौथी लाइन है हमारी, तो इसका उत्तर क्या होगा? दायां बायां कंधे दो, उसको हम उस लाइन से मिला देंगे। तो ये कविता की इन पंक्तियों का सही मिलान आपको करना है। क्या करना है बेटा? इन पंक्तियों का सही मिलान करना है। वापस से सुनना, एक शरीर में कितने दो, तो हमारी तीसरे नंबर की लाइन से जोड़ेंगे हम पहले नंबर वाली लाइन को, गिनकर देखो कितने वो। दूसरी लाइन क्या है? सूंघते खुशबू को जिससे, तो हम इसे पहले नंबर वाली लाइन से जोड़ेंगे, नाक एक नथुने दो। तीसरा क्या है हमारा? लाखों आवाजें सुनते हैं, तो हम चौथी लाइन से इसको जोड़ेंगे, सुनने वाले कान दो। चौथा क्या है? कान भी दो, होंठ भी दो, तो इसको हम दूसरी लाइन से जोड़ेंगे, दाएं बाएं कंधे दो। इस प्रकार से हम कविता की इन पंक्तियों का सही मिलान करेंगे। फिर खा में हमसे पूछा गया है, नीचे दिए गए उन शब्दों पर गोला लगाओ जो इस कविता में नहीं आए। कुछ ऐसे शब्द दिए हैं, उन पर हमको गोला लगाना है जो इस कविता में नहीं आए हैं। सबसे पहला है दिया है शरीर, दो गिनकर, कुर्सी, भाषाएं, पेन, चाबी, आंखें, कागज, कान, टखना, बगीचा, ओठ, करोड़ों, कोड़ा, सूंघना, कंधे, आश्रम। कुछ इतने शब्द इसमें आए हैं, तो जो कविता में नहीं आए हैं हमको उन पर गोला बनाना है। किन पर बनाना है? जो कविता में नहीं आए। तो सबसे पहला, पहली लाइन में हमारा चौथा नंबर वाला कुर्सी, और पहली लाइन में पांचवा नंबर, छठा नंबर पेन, ये दोनों शब्द कविता में नहीं आए। दूसरी लाइन में सबसे पहले, दूसरी लाइन में दूसरे नंबर पर चाबी, तीसरी लाइन में दूसरे नंबर पर कागज, और छठी लाइन में दूसरे नंबर पर बगीचा, ये तीनों शब्द हमारे इस कविता में नहीं आए। अब तीसरी लाइन में तीसरे नंबर पर कोड़ा और छठे नंबर पर आश्रम, ये इस कविता की इन पंक्तियों में ये नहीं आए हैं। आगे बात समझ में? तो इस तरह से आपको जो शब्द
दिए गए शब्दों में से गोला उन शब्द पर लगाना है जो कविता में नहीं आए हैं। किन पर लगाना है? जो कविता में नहीं आए। कौन कौन सा नहीं आया है? सबसे पहला कुर्सी, पेन पहली लाइन में, दूसरी लाइन में है चाबी, कागज, बगीचा, जो तीसरी लाइन में है कोड़ा, आश्रम, है ना। ये क्या है? ये कविता, इस कविता में ये शब्द नहीं आए हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही अभ्यास करेंगे हम, बाकी का अभ्यास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।